अगले दो पॉइंट है हमारे, दोनों एक ही जगह पर दिए जाते हैं, एक ही ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन एक ही ग्लैंड के दो अलग अलग हिस्से हैं, उन दोनों हिस्सों को अलग अलग स्टिमुलेट करने के लिए हम देते हैं। पहला हिस्सा है जैसे उस ग्लैंड का नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारी किडनी से ऊपर छोटी सी दो दो ग्लैंड है, मतलब एक लेफ्ट में एक राइट में है, किडनी के ऊपर ही है। तो एड्रिनल ग्लैंड के दो हिस्से हैं, एक कोर्टेक्स भाग है, एक मेडुला वाला भाग है। कोर्टेक्स भाग ऊपरी भाग है, मेडुला वाला भाग अंदर का भाग है। ऊपर के कोर्टेक्स भाग से तीन हार्मोन बनते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजेंस। और अंदर के भाग से दो हार्मोन बनते हैं जिसको इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन कहते हैं। इन सब के अपने अपने फंक्शन हैं, इसको समझना है कि हम एडीआर कब करेंगे और स्वेट कब करेंगे। दोनों की पोजीशन एक ही है, मतलब वो स्थान एक ही है, T6 से लेकर T12 तक हम देते हैं। तो T6 से लेकर T12 तक हमारा ADR और स्वेट का पॉइंट जाएगा। 2 ADR, 4 ADR या 6 ADR कैसे देंगे पहले इसको समझ लीजिए, इनके फंक्शंस भी मैं आपको बता दूंगा। ये हाथ से ही दिया जाएगा, पैर से ये पॉइंट नहीं देते, है ना। तो ये शोल्डर ब्लेड जहां खत्म होती है, लगभग शोल्डर ब्लेड जहां खत्म होगी अगर हम देखेंगे तो लगभग ये आपका ये हिस्सा आ जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक, जहां हमारी रिब्स खत्म होती है वहां पर हमारा T12 है, जहां हमारे शोल्डर ब्लेड खत्म होते हैं वो हमारा T6 है। तो इतने हिस्से में हमने ये ADR का पॉइंट देना है। इतने हिस्से को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 1, 2 और 3, 1, 2, 3। अब ये तीनों हिस्सों को हम अलग अलग स्टिमुलेट करेंगे। कितनी बार करेंगे, तो जितने ADR आपने देने हैं उतनी बार इनकी जगहों पर रविंग करेंगे। मान लीजिए 2 ADR देना है तो दो बार एक ही जगह पर रब करेंगे, 1, 2, बीच वाला पॉइंट 1, 2, नीचे वाला पॉइंट 1, 2। बस इसको पेयर में देते हैं, यानी कि दोबारा रिपीट करेंगे, 1, 2, 1, 2, 1, 2। तो ये हमारा 2 ADR कंप्लीट हो गया। 4 ADR के लिए हम क्या करेंगे, पहली वाली जगह पर 4 बार, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब 6 ADR के लिए क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसी में इसी जगह पर ये T6 हो गया और ये T12 मेरा हाथ यहाँ रखा हुआ है, ये T6 हो गया और T12 यहाँ रखा है। स्पाइन के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में हम हाथों को रखेंगे और ऊपर से हम ब्लॉक कर कर नीचे की तरफ प्रेशर देंगे, 6 बार देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 स्वेट हो जाएगा। अगर हम उसे लेफ्ट में देते हैं तो ये लेफ्ट स्वेट हो जाएगा, हम इसे राइट में देते हैं तो राइट स्वेट हो जाएगा, दोनों को मिलाकर देते हैं तो ये स्वेट हो जाएगा। इसके फंक्शन को समझ लीजिए, जब हम 2 ADR दे रहे हैं तो हम मिनरोकॉर्टिकॉइड्स के लिए देते हैं, यानी कि लो BP में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। 4 ADR दे रहे हैं तो वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के लिए दे रहे हैं, यानी कि ग्लूकोज के लेवल पर डाउन जाने पर आपको वीकनेस लग रही है तो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए हम 4 ADR देंगे। 6 ADR हम इन्फ्लामेशन में यूज करते हैं, अगर किसी को इन्फ्लामेटरी डिजीज है या ITIS वर्ड जहां जुड़ जाता है तो उस कंडीशन में हम 6 ADR का इस्तेमाल करते हैं। इसी में अगर हम 10 ADR देना चाहें तो ये डीकैल्सिफिकेशन का काम करता है, यानी कि जहां पर कैल्शियम जमा होता चला जा रहा है, किडनी में स्टोन है, एंकलोजिंग स्पोंडोलाइटिस है या कहीं पर हड्डी बढ़ रही है, तो वहां पर एक्स्ट्रा कैल्शियम को हटाने का काम हमारा 10 ADR करेगा। तो ये हमारे 2 ADR, 4 ADR, 6 ADR और 10 ADR का फंक्शन है। प्रोसेस वही है कि एक जगह पर 10 बार रब करेंगे, फिर दूसरी जगह पर करेंगे, फिर तीसरी जगह पर करेंगे और इसको रिपीट कर देंगे। स्वेट का पॉइंट जो हम दोनों हाथों से एक साथ प्रेस कर रहे थे, नीचे की तरफ प्रेस कर रहे थे, तो इसको 6 स्वेट बोलते हैं। ये हमारी इपिनेफ्रिन नॉर इपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसमें हमारा जो हमारी नेचुरल प्रोसेस हैं, यूरिन का आना, ब्लैडर का भरना, ब्लैडर का सुकड़ना, भूख का लगना, भूख लगने पर पेट में HCl का बनना, खाना खाने के बाद उस HCl का शांत हो जाना, ये जो नेचुरल प्रोसेस हैं उन सब में हमारा इपिनेफ्रिन नॉर इपिनेफ्रिन काम करते हैं।
इसमें हम लेफ्ट शॉट जब देते हैं केवल लेफ्ट से ही दे रहे हैं तो यानी कि किसी चीजों को खोलने का काम करता है, जैसे कोई वाल्व लूज हो गया है, कोई नस ब्लॉक हो गई है, कहीं पर कोई श्रिंक हो गया है, कोई ऑर्गन श्रिंक होता चला आया, छोटा होता चला आ रहा है, तो इस समय हम फिर लेफ्ट शॉट का इस्तेमाल करेंगे। राइट शॉट में हम चीजों को फैलाने का काम करते हैं, खोलने का काम करते हैं, कोई चीज उसमें हम जो है वो श्रिंक करने का काम करेंगे। कोई चीज लूज हो गई है, लूज होने पर जैसे वेरिकोस वेन में आपकी नसें फूल जाती हैं तो उनको श्रिंक करना है, तो हम राइट शॉट का इस्तेमाल करेंगे। आपका कहीं कोई ब्लॉकेज हो गया है यानी कि कोई वाल्व लूज हो गया है, कहीं से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो उसे श्रिंक करने के लिए हम राइट शॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी चीज लूज हो गई है, खुल गई है, बढ़ गई है, उसे कम करने के लिए हम राइट शॉट का इस्तेमाल करते हैं। बीपी के लिए ध्यान करना है, अगर बीपी हाई है तो लेफ्ट शॉट का इस्तेमाल करना है, बीपी लो है तो राइट शॉट का इस्तेमाल करना है, ये ध्यान से हमें करना है। अगर आपका कंफ्यूजन है कि हमें राइट देना है या लेफ्ट देना है, तो आप सिंपल सिक्स शॉट दे दीजिए। ये बॉडी का मैकेनिज्म है कि उसे क्या करना है, ये बॉडी खुद जानती है। तो 2 ADR, 4 ADR, 6 ADR, 10 ADR के साथ साथ 6 शॉट का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं।